ठीक है, लाइक देख सकते हो गाइस प्रॉपर ये स्टैक है डॉग शो में जो देखा जाता है। इसका एटीट्यूड चेक कर सकते हो गाइस, ये एक गन है। ओके ब्यूटी फैमिली वेलकम न्यू ब्लॉग। सो गाइज आज के ब्लॉग का सीन ये है, आज आपका भैया है तलविंदर पाजी के पास। तो लगभग मैंने ना 5-6 महीने पहले है ना पाजी के डॉबरमैन कवर किए थे और मुझे पता लगा पाजी है ना एक और नया डॉग लेकर आए। तो मैंने पाजी से बात की और आपका भाई इधर है। तो गाइज ब्लॉग बहुत ही खास होने वाला है, एंड तक बने रहे। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस एंट्री की है और हमारे साथ है तलविंदर पाजी। और पाजी कैसे हो? बढ़िया बढ़िया जी। कर तो और पाजी है बढ़िया पाजी, मैं भी बहुत बढ़िया। और ये आपकी पाजी बेटी है? वेलकम। पहले हेलो हेलो। दूसरे हाथ से क्या करो? ये शुभ्रीत है जी। ओके शुभ्रीत, ओके 4 साल की गुड़िया, ठीक है, उसका ये फेवरेट डॉग है। ओके ये फेवरेट है, मैंने पहचान लिया इसको। विल्सन है ना पाजी? इसका मतलब काफी ज्यादा हाइट इसने काफी ज्यादा कर ली। हाँ सर, ये 28 होती है जी इसकी हाइट जो। ओके स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड में ही है डॉग जी। ओके 28 इंच है जी विद। ओके मतलब प्रॉपर 28 इंच। अब ये फुल ग्रो हो गया है। एज कितनी होगी इसकी? 2.5 साल का हो गया। ओके ओके 2.5 साल की जो भी आप चेक कर सकते हो। लाइक गाइस ये काफी ज्यादा प्यारा है, तो आप देख सकते हो। इसका सर टेम्परामेंट बहुत अच्छा है जी। ओके टेम्परामेंट सारे डॉग्स का ही है वैसे तो। ओके वैसे ये कौन सा आ गया? लाइक यूरोपियन? ओके ये लैटिन अमेरिकन डॉबरमैन आ गया। आप शो होते हैं? ओके जो शो होते हैं, ठीक है। ये आप घर पे सर बहुत अच्छी मतलब कि इसकी जो टेम्परामेंट है ओके ठीक है ठीक है। तो गाइस मतलब अगर आपने ये डॉग रख लिया ना और कोई नहीं रखोगे। ओके मतलब जो लगाओ जो डॉग ब्रीड के साथ होता है टेम्परामेंट बहुत अच्छा है। ठीक है मतलब टेम्परामेंट अच्छा है, गार्ड डॉग बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो आजकल जैसे चोरियां वगैरह होती है इसका कोई रिस्क नहीं है जी। ठीक है मतलब सही चीज है, पे है तो फिर कोई डर नहीं ना। मैं बात करूं लाइक है ना डॉबरमैन को बदनाम काफी ज्यादा किया हुआ है कि लाइक अग्रेसिव काफी ज्यादा है। सर पता क्या है, अग्रेसिव तो देखो ये जो है गार्ड डॉग होता ही है जी, ठीक है, मगर जो है सारा रखने पे है जी अपने। ओके आप अगर इसको घर पे जो ओनर है ना जी, ठीक है, ओनर सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके अगर कोई भी ब्रीड हो ना, ब्रीड कोई बदनाम किया हुआ है मगर ओनर जो है ना आप पीछे जाओगे उसका रख रखाव है जो वो आपको बता। अगर आप फैमिली में डॉग रख रहे हो ना जी वो बच्चों के साथ वो सारा हो, लाइक आपके पास भी डॉटर है आपका क्या सीन है कि खेलते हैं आपके साथ? विल्सन खेलते हैं? यस खेलते हैं। प्यार करते हैं आपको? फाइट तो नहीं करती आप? फाइट तो नहीं करते? वो नहीं करता तो प्यार करते है ना आपको? खेलते हो मतलब ये काटता कूटता तो नहीं आपको? ओके तो बहुत प्यारा है जी इसको। ओके प्यारा है मतलब, ठीक है देख सकते हो। हाइट भी देख लो, प्यारा भी काफी ज्यादा है, कोई अग्रेशन वाला कोई सीन है नहीं। आप मतलब कुछ भी करती है ये कुछ कहता नहीं है ना? ये तो बहुत ज्यादा मतलब इसको जी प्यार करता है जी। ओके और ये बिल्कुल मतलब किसके साथ ही रहता है? ओके ठीक है, मेरे फादर साहब के साथ और इसके साथ के साथ ही रहता है। ठीक है प्यार इनके साथ काफी ज्यादा है, लगाव बहुत है जी इसको। ठीक है कोई अगर ये नजदीक है तो ये मूवमेंट भी नहीं करता अगर इसे चोट ना लगे या कैसे। ठीक है सेंसिटिव काफी ज्यादा हो जाता है। अभी देखो मैंने हाथ में ये चीज पकड़ी हुई है। ओके ये मेरी उंगली को टच नहीं करेगा जी। ठीक है हाँ वो तो हाँ पाजी जो है ना लाइक है ना तरीका भी होता है। हाँ, जो जैसे आप रखोगे वैसे है। ओके तो पाजी है ना सबसे पहले तो मैं है ना आपका वो डॉग देखने आया हूँ जो आपने लेकर आए उस वो देखने हैं और वो हम बाकी आपकी जो फीमेल्स हैं फीमेल्स भी देखते हैं। हाँ, और वो आप पार्क में चलते हैं पाजी के गार्डन में चलते हैं वो देखते हैं, ठीक है वहाँ पे दिखाते हैं। हाँ सो गाइस है ना पाजी के हम गार्डन में आए हैं तो अब है ना गार्डन दिखाते हैं पाजी ने। ये गार्डन दिखाता हूँ जी आपको, यहाँ पे जो एक्सरसाइज के लिए है बनाया। ओके ठीक है, लाएगा आपने स्पेशल डॉग्स के लिए बनाया? डॉग्स के लिए जी। ओके ठीक है, एक्सरसाइज के लिए जी, इनके जो मेरा अपना होता है टाइम जिसमें। ओके ठीक है मतलब शो ट्रेनिंग आप करते हो? हाँ टाइम में यहाँ पे आ जाते हैं। ओके ठीक है, ये बड़े भाई हैं जी मेरे। ओके तो और पाजी कैसे हो? भतीजा है। तो पाजी क्या नाम है पाजी आपका? जगदेव सिंह। जगदेव सिंह जी और हेलो कैसे हो? जुझार सिंह। तो पाजी यही लेकर आया ना नया डॉग? ये बच्चा है जी, ये 6 महीने का बच्चा है जी। ओके ये 6 मंथ की एज है इसकी, देख सकते। ये सर ये ना डॉनी डॉग है जी, टॉप 20 डॉग है अमेरिकन।
ओके उसका ग्रैंडसन है जी, ये जोगिंदर सिंह पवार जी का डॉग था जी, जैस्पर डेस्टिनी चाइल्ड करके, ठीक है, टोनी भी कहते थे, ओके, टोनी का ग्रैंडसन है और इसकी जो मदर लाइन है वो जीथ्रो है, जीथ्रो हाँ, जीथ्रो का जो ग्रैंड डॉटर है जी, इसकी जो मदर है, ओके ठीक और है, ये 6 मंथ का बच्चा है जी, ठीक इसको है, शो पर्पस के लिए लेके आए हैं, ओके मतलब ये आने वाला स्टार है, अपकमिंग स्टार है, आप चेक कर सकते हो गाइस इसकी क्वालिटी। तो भाई इसका स्टैग वगैरह प्रैक्टिस स्टार्ट किया आपने कि नहीं? तो सर ये थोड़ा टाइम मैं कम दे पा रहा हूँ, ओके ठीक है, हाँ ये थोड़ा सा, चलो अभी शो सीजन स्टार्ट है, ओके मगर इसको करेंगे जी शो, ओके ठीक है, मतलब वही है स्टार है अपकमिंग, आप चेक कर सकते हो गाइस। आप मतलब पाजी थोड़ा सा बताइए, लाइक इसको क्या चीज देखी जाती है, लाइक स्टैग है मतलब क्या क्या चीजें जज नोटिस करता है? सर ये ना बेसिकली प्रोफाइल ब्रीड है, ओके प्रोफाइल होती है जो इसकी, जो आपने ये प्रोफाइल जो फ्रंट हो गया इसका, जो इसका जो ये चीज है ना जी, ओके चेस्ट की 90 इसका जो ये प्रोपोर्शन होता है जी प्रॉपर, ठीक है, टॉप लाइन देखी जाती है, ठीक है, फिर उसका जो प्रॉपर जो और इसके पैर या जो भी है इसका स्ट्रक्चर सही होना चाहिए, ओके स्ट्रक्चर सही होना चाहिए, लाइक ये भी कौन सा लैटिन अमेरिकन आ गया? हाँ ये लैटिन अमेरिकन में, ओके ठीक है, तो भाई थोड़ा सा बच्चा है जी, ओके तो बहुत छोटा है अभी, तो इसने काफी मतलब इसमें चेंजेस आएंगे, ओके ठीक है, चेंजेस चल रही है, ओके मतलब मदर फादर आपने बताइए इम्पोर्टेंट है मदर फादर, हाँ ये जो टॉप 20 डॉग है जी, ओके अपना उसका जोगिंदर सिंह पवार जी का है, ठीक है, वो ही आपने ग्रैंडसन है जी, ओके उसका ग्रैंडसन है, लाइक हाँ। आप डॉबरमैन लवर जानते हो उनकी, हाँ, कौन है पता, उनको पता होगा कि डॉबरमैन है क्या, ये डोनी का ग्रैंडसन है जी, ओके ठीक है, तो हम बात करें ना मतलब टेम्परामेंट देख सकते हो, टेम्परामेंट आप खुद चेक कर सकते, इसका बहुत ज्यादा अच्छे टेम्परामेंट है ये डॉग, नाम क्या रखा भाई इसका? ये कार्लोस है जी, कार्लोस मतलब पेपर्स पे का, नहीं नहीं ये इसका जो कॉलिंग नेम है जी वो और है जी, ओके ठीक है, मेरा नाम रखा घर पे, ओके कार्लोस, ये कार्लोस है जी, ओके ठीक, देख सकते हैं गाइस ये भी प्यारा काफी ज्यादा है, चेक कर सकते हो आप, लाइक इसकी लुक देखिए, और हम बात करें लाइक ये लैटिन अमेरिकन आप कह रहे हो, मतलब पता कैसे चलता है कि ये लैटिन अमेरिकन है या यूरोपियन, थोड़ा सा क्या है जी, जो यूरोपियन है वो प्रॉपर जर्मन ब्रीड होती है जी, ओके क्योंकि ये ओरिजिनेट जर्मन में हुए थे, ठीक है, फिर ये लैटिन अमेरिकन इसको सभी कह सकते हैं जी, क्योंकि जो लैटिन कंट्रीज है ना अमेरिका के नजदीक, ओके ब्राजील हो गया, ठीक है, अर्जेंटीना हो गया, ओके वो वहां से जो ब्लड लाइने हैं वो उनको हम लैटिन कह सकते, ओके उनको लैटिन कह सकते हैं, लेकिन ये शो में है, ये शो पर्पस के लिए, शो पर्पस के लिए, लेकिन अमेरिकन भी होते हैं लैटिन अमेरिकन, और अमेरिकन में क्या डिफरेंस है? सर डिफरेंस तो ये है भी जो थोड़ा सा इसमें जो है उनका लैटिन कंट्रीज है जो थोड़ा सा उनका वो अपना उनका जो है ब्रीडिंग का जो सिस्टम है वो अलग है जी, ओके मगर वो एज जो जो स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करते हैं, ओके मगर उनके थोड़े से डॉग जो है हैवी होते हैं, हैवी होते हैं यूरोपियन है, ओके अमेरिकन आप कह रहे हो हैवी होते हैं, लैटिन अमेरिकन, ओके लैटिन अमेरिकन थोड़े से हैवी होते हैं एज कम्पेयर टू अमेरिकन, हाँ एज कम्पेयर टू अमेरिकन, ओके बट वो शो हो सकते हैं, मगर जो आप यूरोपियन है उसको प्रॉपरली जो उसको जर्मन कहते हैं जी हम, ओके यूरोपियन को शो नहीं कर सकते जी आप, ओके ठीक है, डॉग शो में उसका पर अगर आप मेरे से पूछोगे तो यहाँ पे इंडिया में एक या दो ब्रीडर होंगे जिनके पास जो है यूरोपियन अच्छे हाँ, नहीं तो दूसरा मिक्सिंग चल रही है, ओके मिक्सिंग ऐसा है भी, मुझे ये बड़ा देख के दुख लगता है सबसे ज्यादा कि जो इस ब्रीड में सुधार कम हो रहा है जी, मिक्सिंग ज्यादा हो रही है, मिक्सिंग ऐसे हो रही है क्योंकि लोगों की डिमांड है यूरोपियन की, ओके लोगों की डिमांड जो है पूरी करने के लिए लोग क्या करते हैं, एक तो झूठ बोल बोल के बच्चे बेच रहे हैं जी, ठीक है, क्या क्या करेंगे, लैटिन अमेरिकन फीमेल होगी, ओके उस पे जो है यूरोपियन लगा के ओके बच्चे बेच रहे हैं जी, ठीक है, और बंदों को पता नहीं है जो बेचारे जो लेने वाले हैं उनको पता नहीं है, ओके ठीक है, उनको यूरोपियन क्या क्या चिपका रहे हैं जी, ओके ठीक है, पैसे बनाने का चक्कर है, ओके मगर जो सही जो सिस्टम है ना वो ब्रीड को हमारा जो है पर्पस हमारा इस लाइन में आने का वो ये ब्रीड को ब्रीड स्टैंडर्ड इम्प्रूव करना और जो ब्रीड में मिक्सिंग चल रही है उसको रोकने का आपका है कि लाइक प्रॉपर पता क्या बात है जी, जो ये एक अकेली ब्रीड है जी जो पंजाब में आप मान के चलो पहले 90 के दौर में तो बहुत ज्यादा छाई हुई थी, हाँ मतलब उसके बाद इसकी गिरावट काफी ज्यादा हुई, गिरावट ऐसे है जी सारा जो है अप एंड डाउन देखो आते हैं, अगर आप कहोगे कोई ट्रेंड है, ट्रेंड अगर आप जीन्स का ही ले लो,
अभी कभी खुले वाली आ जाती है, कभी टाइट आ जाती है, घूम के आता जरूर है, ठीक है ना, वही है जो है ना, वही घूम बेल बॉटम जो कह रहे थे कि हम पहले फ्री आ रही है, ठीक है। मगर जो अभी आ रहे हैं ब्लड लाइन, वो पहली सी ब्लड लाइन से बहुत ज्यादा रिफाइंड है। ओके, ठीक है, मतलब हेल्थ एज ए टेम्परामेंट, ठीक है, सारे तरफ से पिछली जो ब्लड लाइन है उससे बहुत अच्छी आ रही है। ओके, और ये जो सबसे बड़ी बात मैं आपको कहने चाहता हूँ कि जो ये इसको पंजाब में अभी मैंने जो कलेक्ट किए हैं डॉग, ये सारे ठीक है, अभी बहुत मुश्किल से मुझे मतलब पंजाब में मुझे कोई डॉग नहीं मिला जी, ठीक है, मतलब सारे कोई कहाँ से आया और इसका बताइए कि लाइक आपने किधर से लेकर आए हो, ये कहाँ से आया आपका डॉग? ये सर महाराष्ट्र से आया है। ओके, ये स्पेशल महाराष्ट्र से आया है जी। ओके, विजय माने जी है जी, ठीक है, ब्रीडिंग का है ये। ओके, ठीक है, मतलब एटीट्यूड भी इसका अलग है ना, पानी थोड़ा सा जहाँ मतलब की इसका अगर आप कोई आवाज करोगे गोली चलेगी, वो गोली चलेगी उधर चलेगा, ये पीछे नहीं हटेगा, ठीक है, ये चीज है, इसका एटीट्यूड बहुत एटीट्यूड अलग है। और मैं मतलब टेपिंग वगैरह आपने अभी इसकी की है, ऐसे है, ये भी क्रॉपिंग इसके डॉक्टर सरदाना जी से हुई है। ओके, मगर अभी टेपिंग चल रही है, ठीक है, अभी टाइम लेगा थोड़ा सा। ओके, ये लो सेट थे इसके जो ईयर है ना, ठीक है, मतलब काफी ज्यादा सही चीज है, देख सकते हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, अभी इसकी जो डोबरमैन लोग मतलब ढूंढ रहे हैं मगर मिल नहीं रहा। ओके, और मेनली बात है जो बंदे ढूंढ रहे हैं वो उसको वो चीज नहीं मिल रही, ठीक है। पंजाब में मैं आप मान के चलो कि ब्रीडर में मान ही नहीं रहा जी कोई ब्रीडिंग कर रहा है प्रॉपर। ओके, ठीक है, कोई ब्रीडिंग नहीं कर रहा डोबरमैन, ठीक है, अच्छी जो है। ओके, ठीक, बस वो पैसे बनाने वाला 20-30 हजार वाला काम चल रहा है। ओके, मतलब जो ब्रीड स्टैंडर्ड होना चाहिए वो, ये आप 6 महीने का बच्चा देख लो जी, इसके दांत देख लो। ओके, ठीक है, 6 महीने का बच्चा है, ठीक है, ये अभी इसका एटीट्यूड देखो आप, इसका स्टैंडर्ड देखो, हर चीज पे आपको बताएगा, ठीक है, मतलब इसका कोई नेचर ऐसा नहीं है कि लाइक अग्रेसिव वाला होएगा, आप चेक कर सकते हो, देख सकते हो गाइस, ये देखो पूरा एक्टिव है। हाँ, एक आपको और भी दिखाऊंगा जी डॉग में, हाँ वो भी हम वो दिखा देंगे ना, लाइक हम बात करें डॉग शो में स्टैक यही होता भाजी? हाँ, ये स्टैक होता है, स्टैक लगता है, ठीक है, लाइक देख सकते हैं गाइस, प्रॉपर ये स्टैक है डॉग शो में जो देखा जाता है, इसका एटीट्यूड चेक कर सकते हो गाइस, देख लो, देख सकते हो। और भाजी वॉक का क्या सीन है, वॉक भी ट्रेनिंग होती है जी? ओके, ठीक है, मैंने अभी तैयार नहीं करवाया, ठीक है, आपने तैयार इसकी की नहीं, लेकिन बट आप प्रैक्टिस से हो जाएगा, आप चेक कर सकते हो, बच्चा है ये भी, ठीक है, ओके, मगर आप इसका एटीट्यूड बहुत अच्छा है, ठीक है, एटीट्यूड खुद ही चेक कर सकते हो, मतलब सही चीज है, काफी ज्यादा इसका एटीट्यूड ही अलग है, ये प्रॉपर स्टैग है, मतलब देख सकते हो। सो गाइस, पाजी ने थर्ड डॉग निकाला था, आप चेक कर सकते हो गाइस, इसका सीन देखिए, तो पाजी इसका सीन बताइए कि क्या सीन है, लाइक ये थोड़ा ये एलेक्स डी ए किडो साइन है ना, जो वर्ल्ड चैंपियन था जी। ओके, ठीक है, उसका ये ग्रैंड सन है जी। ओके, उसका ग्रैंड सन है, सन है जी, ठीक है, एलेक्स डी किडो साइन का जी। ओके, ये मतलब मान के चलो रेयरेस्ट ब्लड है जी जो ओके, इंडिया में, ठीक है, हाँ, इसका मतलब बहुत कम लोगों के पास बच्चे है। ओके, मतलब ब्लड है, ओके, रेयर काफी ज्यादा है, आप चेक कर सकते हो गाइस, इसका रेयर ब्लड है। ओके, मतलब ये रेडिश कलर में आ गया, हाँ, ये लीवर टैन है जी। ओके, लीवर टैन कलर आ गया, ओके, ठीक है। और भाजी एक मेरा और क्वेश्चन है, लाइक है ना डोबरमैन में हम बात करें कि कितने कलर आते हैं, लाइक देखो बात है ये है भी, इसका जो मेनली तो दो कलर होते हैं, ब्लैक एंड टैन। ओके, ब्लैक वो आप देख सकते हो गाइस, ब्लैक एंड टैन। ओके, ब्लैक एंड टैन, लीवर टैन, ओके, लीवर टैन, ये दो आते हैं, रेड एंड रस्ट भी कह देते हैं। ओके, लीवर टैन भी कह देते हैं, ठीक है। और ये जो मतलब है ये अभी 15 महीने का जी बच्चा। ओके, ये 15 मंथ का है, तो आपने गाइस पहले वीडियो में भी देखा होगा कि जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी जो वो आपने देखी होगी, लेकिन उसमें मतलब हाइट काफी ज्यादा ग्रोथ इसने काफी ज्यादा की है ना पाजी, 5-6 महीनों में। ओके, 15 मंथ का डॉग है। और हम बात करें ब्रीड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इसकी हाइट कितनी होती है पाजी? 28 इंच होती है जी पूरी, मतलब मेल की। ओके, और जो उससे एक्सीड चले जाएगा तो फिर आउट ऑफ स्टैंडर्ड है। ओके, आउट ऑफ स्टैंडर्ड है, मतलब जो एक एसी की दोबारा फीमेल है जी जो, ओके, वो 26 इंच की होती है। ओके, जो अमेरिकन कैनल क्लब कहते हैं, लाइक एसी के अकॉर्डिंग है। ओके, ठीक है, आपने कलर की बात की थी, कलर इसमें आते तो देखो जी मेनली दो हैं। ओके, एक इसमें ब्लू कह देते हैं, एक इजाबेल कहते हैं। ओके, ब्लू कलर मतलब ब्लू ही होता है, आता है जी, वैसे उसको जो आप मान के चलो भी जो आप
अमेरिकन बुली होते हैं उनका कलर होता है जी। ओके ठीक है, ब्लू ब्लू एंड रेस्ट रस्ट होता है। ओके ठीक है, मतलब आते हैं, मतलब आते हैं बट मगर वो उसको ऐसे भी मतलब मैंने तो कोई स्टैंडर्ड में देखा नहीं जी उस कलर में बच्चा कोई। ओके ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड में नहीं होते, होते जरूर है। ओके आते हैं, ऐसे तो व्हाइट भी आता है जी, व्हाइट में ही आता है। ओके व्हाइट डॉबरमैन आता है सर, व्हाइट तो सारी प्रजातियों में आपको मिलेगा, जितने भी स्पीशीज हैं, जो हाथी हो गया, घोड़ा हो गया, जितने भी हैं, ठीक है, उनमें आपको ब्लैक जरूर मिलेगा, उसको कहते हैं रिसेसिव जीन। ओके ठीक है, रिसेसिव जीन होता है जो वो उसमें जो कमियां होती हैं सर, ठीक है, कमियां ऐसे होती है भी उसमें, एक तो डिफेंड अंब होते हैं, ठीक है, मान के चलो बॉक्सर्स में आते हैं क्योंकि उसकी सॉक्स होती हैं वगैरह जो उसके ब्रीड करते हैं, ठीक है ठीक है, उसमें व्हाइट ज्यादा आता है। ओके, रेड डेन में भी आ जाता है क्योंकि हार्ले क्वीन होता है जी। ओके ठीक है, होते हैं। ओके ठीक है जी, ठीक है, एटीट्यूड चेक कर सकते हो, देख लो इसका एटीट्यूड। ये इसका नाम भी एलेक्स है जी, एलेक्स, एलेक्स टी की दोसान, एलेक्स चेक कर सकते हो इसे, इसका मतलब काफी ज्यादा सही चीज है, टेम्परामेंट भी देख सकते हो इसका, मतलब काफी ज्यादा प्यारा है, लाइक आप देख सकते हो, हाथ लगाओ, देख सकते हो भाई, ये काफी ज्यादा प्यारा है। तेरे साथ ये खेलते हैं, ये भी खेलते हैं, फ्रेंड कौन होता है तेरा? सारी फ्रेंड है। ओके, एलेक्स और विल्सन है, ठीक है, प्यार करती है। ओके ठीक है, और ओके उसके साथ भी प्यार काफी ज्यादा है, ठीक है। ओके ये भी काफी ज्यादा ओवर एक्साइटेड काफी ज्यादा है ना भाई, ये थोड़ा सा ना डॉग अभी इसको ऐसा है भी खेलने का टाइम हो गया। हाँ ओके ठीक है, इस मूड में है। हाँ देख सकते हो भाई, हाँ बेटा ओवर एक्साइटेड काफी ज्यादा। तो भाई इसका क्या नाम है? ये है एला, एला, हाँ वासुदेव रेड्डी जी का मोंटी है जी, मोंटी की बच्ची है। ओके मोंटी की मदर साइड है जो वो है इसका ज्यूस की, ज्यूस दी ब्लैक शैडो। ओके ठीक है, देख सकते हो, क्रॉपिंग इसकी फेल हो गई थी। ओके अभी ऐसे भी बच्चे बहुत अच्छे प्रोड्यूस कर रही है जी। ओके ठीक है, बच्चे बहुत अच्छे, ठीक है गाइस, देख सकते हो गाइस इसका एटीट्यूड देखो, मतलब अलग ही चीज है काफी ज्यादा, वो देखो वो घेर दी थी, वो घेर दिया था आपको तो देख सकते हो गाइस काफी ज्यादा प्यारी है, चेक कर। और एज पानी बात करें, एज क्या है? एज इसकी जी 2.5 साल है जी। ओके ये भी 2.5 साल है, ओके ठीक है, 16 महीने का। ओके ये 16 महीने, मतलब लाइक डॉग्स आपने पहले भी काफी रखे होंगे सर? मैंने लगभग सारे ही रखे देख लिए, मगर बट आपको डॉबरमैन का जो सीन होता है, डॉबरमैन काफी ज्यादा, तो ये इसको ऐसे भी थोड़ा सा इसे ग्रूमिंग की दिक्कत नहीं है, गर्मी रफ एंड टफ ब्रीड है, गर्मी की प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे ज्यादा ना हमारे जो है, गर्मी में बच्चे अभी सर्दी में तो देखो बिकते हैं बहुत, ओके बिकते हैं, मगर जो गर्मी आती है फिर छोड़ने लग जाते हैं, चीज वगैरह और भी जितने छोड़ने लग जाते हैं। इसको ऐसे भी गर्मी में कोई इशू नहीं है जी, ठीक है, इसे जहाँ इसको कूलर तक है जी, ओके तक नहीं, ठीक है, वही है ना, मतलब पारी है ना, इस ब्रीड को ब्रीड क्यों किया गया था, मतलब क्या पर्पस रहा है? एज ए पर्सनल प्रोटेक्शन डॉग है सर। ओके ठीक है, ये एक इकलौती ब्रीड है जो ये एज ए पर्सनल प्रोटेक्शन डॉग है। ओके, अगर ये आपके पास है तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, आपके पास कोई गन नहीं है, कुछ नहीं है, ये एक गन है आपके। ओके ये मतलब ये जरूरत पड़ेगी तब चलेगी, ठीक है। इसका एक और मैं आपको बता दूं, कोई भी ब्रीड है भी इनको ना वाइब्स आती है जी, अगर किसी बंदे में अगर उसको नेगेटिविटी है ना ये पकड़ता है। ओके ठीक है, अगर मान लो आपका मूड ठीक नहीं है, ठीक है, आपके पास कम से कम वो ऐसे आता जाएगा बच्चा। ओके ठीक है, आपका नहीं, वो तो हर डॉग ही करता है, वो तो हर डॉग में होता है, पकड़ते हैं, हाँ वो हर डॉग ही करता है, लाइक हर डॉग है जी, हाँ और प्रोटेक्शन डॉग है, ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्शन। ओके ठीक है, बाकी जो आप देखोगे शेफर्ड वगैरह है जो गार्डियंस है वो, ठीक है ठीक है, गार्डियंस है। ओके ठीक है, ये पर्सनल प्रोटेक्शन। ओके ठीक है, तो चार्ल्स लुईस डोबरमैन ने ओरिजिनेट किया था जी, जर्मन की ब्रीड है प्रॉपर्ली, ठीक है, जो आप यूरोपियन कह रहे हो ना, ओके वहाँ वही है। ओके ठीक है, मतलब जो आप बंदे का नाम, ये एज ए शो पर्पस जो इन्होंने इसका जो टेम्परामेंट है थोड़ा सा कूल डाउन किया था। ओके और ये मतलब फिर ये चीज निकल के आई है बच्चों के लिए, ओके ठीक, इसका जो टेम्परामेंट है बहुत सुंदर टेम्परामेंट, ठीक है गाइस, चेक कर सकते हो, ये इधर डॉबरमैन देख सकते हो गाइस, ये देख लो कितना सही है, काफी ज्यादा, और ये भी डॉबरमैन चेक कर सकते हो गाइस।